हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं और आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो कि होने वाला है इम्पोर्टेंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस। तो स्टॉक एक्सचेंजेस के फंक्शन के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने बात किया था, अब हम बात करने वाले हैं इसके जो इम्पोर्टेंस है, इसका क्या महत्व है, स्टॉक एक्सचेंजेस का क्या महत्व है, इसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। तो इस वीडियो लेक्चर को पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल पाए। पर उससे पहले मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोज की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिलती रहे। ठीक है, तो आप प्लीज इसको दबा लीजिए सब्सक्राइब वाले बटन को। अब बात कर लेते हैं आज के इम्पोर्टेंस के बारे में। तो इम्पोर्टेंस जो है वो तीन लोगों को ध्यान में रख करके बनाई गई है। एक तो कंपनीज को क्या क्या इम्पोर्टेंस मिलता है, क्या क्या फायदे मिलते हैं, साथ ही साथ एज ए इन्वेस्टर आपको कौन कौन से इम्पोर्टेंस, आपके लिए कितना महत्व है, और साथ ही साथ जो सोसाइटी है, सोसाइटी के लिए स्टॉक एक्सचेंजेस का क्या इम्पोर्टेंस है, उसके बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनीज के लिए स्टॉक एक्सचेंज क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। सबसे पहली बात जो बात बोली यहाँ पे बोली गई वो ये है कि द कंपनीज हुज सिक्योरिटीज हैव बीन लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज एंजॉय अ बेटर गुडविल एंड क्रेडिट स्टैंडिंग दे अदर कंपनीज बिकॉज दे आर सपोज्ड टू बी फाइनेंशियली साउंड, है ना। तो ऐसी ही कंपनियां जो कि स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती है वो एक तरीके से एंजॉय करती है बेटर गुडविल, उनका नाम बहुत ज्यादा होता है, लोग उनके ऊपर भरोसा करते हैं क्योंकि उनको पता है कि जब कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है इसका मतलब कंपनी जो है फाइनेंशियली साउंड है, अच्छी कंपनी है, पैसे उसके पास है, तो एक तरीके से वो अच्छा गुडविल जो है एंजॉय करती है कंपनी जब भी वो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती है। दूसरा जो इम्पोर्टेंस ये है कि द मार्केट फॉर देयर सिक्योरिटीज इज एनलार्ज एज द इन्वेस्टर ओवर द वर्ल्ड बिकम अवेयर ऑफ सच सिक्योरिटीज एंड हैव एन अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट इन देम, है ना। तो जब भी कोई कंपनी किसी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होती है तो वो एक तरीके से, जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसको गुडविल मिलता है, साथ ही साथ वो कंपनी जो है और बड़ी भी हो जाती है क्योंकि तो वहां पे जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो पूरे ऑल अराउंड द वर्ल्ड उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर उनको पसंद आएगा वो कंपनी, उनकी काम करने का तरीका पसंद आएगा तो जो इन्वेस्टर्स हैं वो सिर्फ इंडिया से ही नहीं बल्कि बाहर से भी, जो इंडिया के बाहर के जो देश हैं वो भी आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए आतुर रहेंगे, वो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। तो एक तरीके से जो मार्केट है वो एक तरीके से एनलार्ज हो जाता है उस कंपनी के लिए जो कि फाइनेंशियल मार्केट में, आई मीन स्टॉक मार्केट में खुद को लिस्ट करवाती है। थर्ड जो बेनिफिट, थर्ड जो इंपॉर्टेंस है वो ये है कि एज अ रिजल्ट ऑफ इनहेंस्ड गुडविल एंड हायर डिमांड द वैल्यू ऑफ देयर सिक्योरिटी इंक्रीजेस एंड सो डज द बार्गेनिंग पावर इन द कलेक्टिंग वेंचर्स मर्जर्स ईटीसी, है ना। तो जब कोई कंपनी एक तरीके से स्टॉक मार्केट में खुद को लिस्ट कराती है तो उसका गुडविल और हायर डिमांड तो बढ़ता ही है, और जब ये हायर डिमांड बढ़ता है तो उसके जो स्टॉक के प्राइसेस होते हैं, स्टॉक के जो शेयर के जो प्राइसेस होते हैं वो भी बहुत ही तेजी से ऊपर की तरफ जाते हैं, उनका डिमांड बढ़ने लगता है मार्केट में, और जो कंपनी की जो बार्गेनिंग पावर है ना कलेक्टिव वेंचर्स में या फिर मर्जर्स में उनकी ज्यादा बढ़ जाती है, वो ज्यादा से ज्यादा जो है अपने जो पावर्स हैं उनका वो इस्तेमाल कर पाते हैं कंपनी के फेवर में, है ना। तो ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है या इम्पोर्टेंस है कंपनी के लिए। चौथा नंबर पॉइंट है, व्हाइल रेजिंग एडिशनल कैपिटल द डिसीजंस रिगार्डिंग द मिक्स ऑफ सिक्योरिटीज टू बी इशूड, देयर क्वांटिटीज, देयर प्राइसेस एंड द टाइमिंग्स ऑफ देयर इशू बिकम क्वाइट कन्वीनियंट, है ना। तो जब आप अपने एक तरीके से एडिशनल कैपिटल जब आप मार्केट से रेज करना चाहते हो, जिसके लिए आपने खुद को जो है मार्केट में आपने रजिस्टर करा था नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में या फिर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में आपने खुद को रजिस्टर करा था, तो उससे फायदा ये होता है कि लोगों को जो है आपकी क्वांटिटी के बारे में या आपके प्रोडक्ट के प्राइस के बारे में, आई मीन आपके शेयर के प्राइस के बारे में, ये सारी जानकारियां जो है उनको बहुत ही आसानी से मिल जाती है, तो लोग कंपनी में इन्वेस्ट करते भी हैं, राइट। सो दीज आर द फोर इंपॉर्टेंट्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंपनीज जो कि उनको मिलती हैं अगर वो खुद को स्टॉक मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज में अगर वो खुद को लिस्ट कराते हैं। तो इन्वेस्टर्स को कौन कौन से फायदे या फिर कौन कौन से इंपॉर्टेंस इनके हैं ये भी बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंस यहाँ पे बताया गया है वो ये है कि दे एंजॉय द फैसिलिटी एंड कन्वीनियंस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग द सिक्योरिटीज एट विल एंड एट एन अपॉर्चुनेट टाइम। तो जब कोई कंपनी एक तरीके से खुद को मार्केट में लिस्ट करती है ना तो इन्वेस्टर के पास मौका होता है कि वो अपनी मर्जी के हिसाब से, जब भी वो कन्वीनियंट रहे वो अपनी मर्जी के हिसाब से अपने शेयर्स को वो खरीदे या फिर उसको सेल करे। तो इन्वेस्टर के लिए ये बहुत आसान हो जाता है कि वो कभी भी उस शेयर को खरीद सकता है और बाय कर सकता है, खरीद और सेल कर सकता है अपने कन्वीनियंट के हिसाब से।
Because of the assured safety in the dealing in the stock exchanges, the investor are free from any anxiety about the delivery and the payment problems, है ना? तो जब आप मार्केट में एक तरीके से चीजों को खरीदते हो, शेयर्स को खरीदते हो और बेचते हो, तो आपको पता है कि जो मार्केट है वो एक तरीके से रेगुलेटेड है बाई सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो वो एक तरीके से नजर बना करके रखे हुए है, तो आपको यहाँ पे किसी भी तरह का फ्रॉड या फिर किसी भी तरह का पेमेंट प्रॉब्लम होने का जो डर है या डिलीवरी होने का जो डर है वो बहुत ही कम जाता है। तो आप एंग्जाइटी फ्री होकर के जो है आप ट्रेड कर पाते हो स्टॉक मार्केट्स में, है ना? तीसरी बात जो यहाँ पे बोली गई हुई है कि अवेलेबिलिटी ऑफ रेगुलर इंफॉर्मेशन ऑन पीसेस ऑफ सिक्योरिटीज ट्रेडेड एट अ स्टॉक एक्सचेंजेस हेल्प्स देम इन डिसाइडिंग ऑन द टाइमिंग ऑफ देयर परचेज एंड सेल, है ना? तो जो इन्फॉर्मेशन आपके पास आएंगे रेगुलर बेसिस पे, उसके बेसिस पे आप ये डिसाइड कर पाओगे कि आपको किस टाइम पे जो है कंपनी में अपने शेयर्स को बढ़ाना चाहिए, खरीदना चाहिए, और किस टाइम पे आपको जो है कंपनी के शेयर से एग्जिट कर जाना चाहिए। तो ये सारी जानकारियां आपको तब मिलती है जब आप खुद को स्टॉक मार्केट में रजिस्टर, मतलब जब कंपनी रजिस्टर करती है, तो आप उसकी इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल जो है अपने परचेज और सेल के लिए कर सकते हो। तो ये आपका बेनिफिट है, राइट? It becomes easier for them to raise loans from banks against their holdings in securities traded at the stock exchanges because banks prefer them as collateral on account of their liquidity and convenient valuation. Sometimes, अगर आपने पैसे इन्वेस्ट करके रखे हैं अपने स्टॉक मार्केट में, तो जितने के भी पैसे आप स्टॉक मार्केट में आपने इन्वेस्ट करके रखे हैं, उन सारे पेपर्स को आप गिरवी रख करके आप एक तरीके से मार्केट से पैसा उठा सकते हैं, बैंक से आप लोन ले सकते हैं। तो अगर आपको बैंक से लोन चाहिए तो ये काम जो है बहुत ही आसान कर देता है जब आपके पास स्टॉक के जो होल्डिंग्स होती हैं, आपके पास अगर कंपनीज के होल्डिंग्स होती हैं, सिक्योरिटीज की होल्डिंग्स अगर आपके पास होती हैं, और बैंक भी प्रेफर करते हैं ऐसे लोगों को क्योंकि वो एक तरीके से कोलैटरल अकाउंट होता है और कंपनी को पता होता है कि जब भी वो सेल करेंगे लिक्विडिटी जो है बहुत ही आसानी से उनके पास ट्रांसफर होकर के आ जाएगा। तो इन्वेस्टर्स के लिए ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो कंपनी मार्केट में लिस्टेड है उनके लिए ये सारी इंपॉर्टेंसेस हैं जो मैंने अभी आपको बताई हैं। अब बात कर लेते हैं ऐसी इंपॉर्टेंसेस के बारे में जो कि सोसाइटी के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट? कि स्टॉक मार्केट में अगर कोई कंपनी इन्वेस्ट करती है तो उससे सोसाइटी का क्या फायदा है या सोसाइटी को क्या महत्व मिलता है। सबसे पहला है अवेलेबिलिटी ऑफ लिक्विडिटी एवेन्यूज ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड द लिक्विडिटी थेरऑफ इंड्यूसेस पीपल टू सेव एंड इन्वेस्ट इन लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज which leads to increased capital formation in the country. So as a society, जब कोई कंपनी as a society आपको ये help मिलता है, ये आपका महत्व है कि जब कोई कंपनी किसी मार्केट में लिस्ट करती है तो as a society आप कोशिश करते हो कि आप ज्यादा से ज्यादा पैसे सेव करके अच्छी अच्छी कंपनीज में जो है आप अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकें। तो इससे जो है कंपनी में कंट्री में कैपिटल फॉर्मेशन होता है किसी भी कंट्री में, तो ये एज ए इस तरीके से बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल हो जाता है ना? तो सोसाइटी को तो यहाँ से फायदा मिलता ही है, लेकिन सोसाइटी अगर ठीक तरीके से मार्केट में अगर इन्वेस्ट करेगी तो उससे जो है फायदा हमारी कंट्री को मिलेगा और जो ओवरऑल ग्रोथ है कंट्री का वो भी ठीक तरीके से हो पाएगा, ठीक है? तो क्या इंपॉर्टेंस है स्टॉक मार्केट का फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ सोसाइटी, दूसरा पॉइंट भी कर लेते हैं। सो फैसिलिटी फॉर कन्वीनियंट परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज एट द स्टॉक एक्सचेंजेस provide an indirect support to new issue market which helps in the promotion and expansion of industrial activity and contribute to in the increased in the rate of industrial growth, है ना? तो जब यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोग एज ए सोसाइटी जब आप मार्केट में इन्वेस्ट करने लगते हो क्योंकि आपको लगता है कि ये कंपनी अच्छी है, तो वो एक तरीके से जो है चूंकि कंपनी का परचेज एंड जो सेल है सिक्योरिटीज वो बहुत ही एक तरीके से बहुत ही अच्छा है, बहुत ही आसानी से आप कर सकते हो। तो इसके कारण से आप अगर मार्केट में कुछ नया इशू करते हो तो वो भी बहुत आसानी से हो सकता है, उसमें आपको बहुत ज्यादा प्रमोशन करने की आवश्यकता नहीं है। सपोज टाटा का ही कोई अगर शेयर मार्केट में अभी लिस्ट होता है तो उसको प्रमोशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती क्योंकि लोगों को पता है, सोसाइटी को पता है कि टाटा के शेयर्स अच्छे होते हैं, टाटा की कंपनीज अच्छी होती हैं, टाटा का मैनेजमेंट अच्छा है, राइट? तो जब भी कोई कंपनी प्रमोशन करने की कोशिश करती है, एक्सपांशन करने की कोशिश करती है अपने इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को, तो वो बहुत ही आसानी से कर पाती है क्योंकि सोसाइटी उनको हेल्प करती है, एक्नॉलेज करती है और एक तरीके से रिकॉग्नाइज करती है उनके काम को, राइट? थर्ड नंबर पॉइंट है स्टॉक एक्सचेंजेस फैसिलिटेट्स रीएलोकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू मोर प्रॉफिटेबल एंड ग्रोइंग इंडस्ट्रियल यूनिट्स बिकॉज़ इन्वेस्टर्स कैन इजीली रीशफल देयर इन्वेस्टमेंट। तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं यहाँ पे वो एक तरीके से अपने इन्वेस्टमेंट को बहुत ही आसानी से रीशफल कर सकते हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज जो है रीएलोकेशन प्रोवाइड करते हैं फाइनेंशियल रिसोर्सेज का ताकि वो एक तरीके से ऐसे जगहों पे इन्वेस्ट कर सके जहाँ पे उनको ज्यादा प्रॉफिट हो, जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स है वो ठीक तरीके से ग्रो कर पाए। तो ये जो है एक तरीके से सोसाइटी के लिए भी बेहतर होता है कि कंपनी अगर ठीक तरीके से ग्रो करेगी तो अल्टीमेटली इसका बेनिफिट जो है सोसाइटी को ही होगा, ठीक है ना?
ये तीसरा पॉइंट था। चौथा और आखिरी पॉइंट है इंपॉर्टेंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज कर रहे हैं फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ सोसाइटी। आखिरी पॉइंट है, आखिरी नहीं चौथा पॉइंट है, वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी एट द स्टॉक एक्सचेंजेस एंड द मूवमेंट इन द शेयर प्राइसेस रिफ्लेक्ट द प्रिवेलिंग इकोनॉमिक हेल्थ, है ना। तो किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक हेल्थ कैसा है अगर आपको ये जांचना है तो आप चेक कर सकते हो कि उस कंट्री के स्टॉक एक्सचेंजेस किस तरीके से परफॉर्म कर रही है ना। अगर स्टॉक एक्सचेंजेस में जो वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी है वो बहुत ही ज्यादा है ना, और शेयर प्राइसेस जो है वो उनका मूवमेंट कैसा होता है, इससे हमें पता चलता है कि उस कंट्री की जो इकोनॉमिक हेल्थ है वो कैसी है, कंट्री किस तरीके से काम कर रही है, राइट। तो इस तरीके से आप ये इसका चौथा एडवांटेज है या इंपॉर्टेंस आप बोल सकते हो। पांचवा इंपॉर्टेंस है, सिंस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर आल्सो ट्रेडेड एट स्टॉक एक्सचेंजेस द गवर्नमेंट बोरोइंग इज हाईली फैसिलिटेटेड, है ना। तो जैसा कि आपको पता है कि स्टॉक मार्केट में जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं, जो गवर्नमेंट के शेयर्स होते हैं, उनका भी ट्रेड होता है ना। उस कारण से जो गवर्नमेंट की बोरोइंग है वो भी बहुत ही ज्यादा फैसिलिटेटेड होती है। लोग ज्यादा से ज्यादा कमीनों गवर्नमेंट की कंपनीज में पैसे लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं ताकि उनके पैसे जो है वो उनको प्रॉफिट दे पाए। सो दीज आर द फ्यू इंपॉर्टेंसेस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज मार्केट, जहाँ पे अगर आप अपने शेयर्स को अगर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो ये सारी जो है इंपॉर्टेंसेस देखने को मिलती है फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ कंपनीज, इन्वेस्टर्स एंड सोसाइटी, राइट। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करना, और मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखो, बाय बाय, थैंक यू।